हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हम देखने वाले हैं 10 लाख के नीचे आने वाली सबसे रफ एंड टफ एसयूवी को। रूरल एरियाज में इस कार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये है महिंद्रा की बोलेरो पावर प्लस, BS6 अवतार में आ चुकी है। और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं BS6 वेरिएंट में, प्लस इसके नए फीचर्स और इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा आपको, उन सबको आज हम डिटेल में देखेंगे। फ्रंट फेसिया जो है बोलेरो BS6 का चेंज कर दिया गया है। हेडलैम्प्स आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरीके से चेंज है। पहले आपको जहाँ हेडलैम्प्स के ऊपर काफी बड़े इंडिकेटर्स मिलते थे, वो यहाँ पे अब चीज चेंज कर दी है। तो चलिए देखते हैं इस अपग्रेडेड बोलेरो में आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है आपको नई बोल्ड ग्रिल पे। ये न्यू ग्रिल इसमें डाली गई है। प्लस अगर आप हेडलैम्प्स देखते हैं इसके, तो यहाँ पे आपको स्टाइलिश न्यू क्लियर लेंस हेडलैम्प्स मिलते हैं स्टेटिक बेंडिंग फीचर के साथ। ये देते हैं पीली लाइट यानी कि हेलोजन लाइट इसमें मिलती है। इसी में आपको लो बीम के अलग से लाइट मिलती है और इंडिकेटर भी इसी में है। नए फोग लैंप बोलेरो में डाले गए हैं। प्लस न्यू एक्स शेप्ड बम्पर आपको इस बार बोलेरो BS6 में मिलेगा। बम्पर भी BS6 वेरिएंट में महिंद्रा ने चेंज किया है। और बोलेरो में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 195 mm का। साइड में आप इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखेंगे तो वो अभी भी फेंडर पे ही आपको मिलती है। टायर्स इसमें मिलते हैं आपको 15 इंचेस के, ऐसे कुछ आपको डिजाइन के साथ लगते हैं। ये पहले भी सेम आया करते थे, इनमें कोई ज्यादा बदलाव आया नहीं है। ग्राफिक्स भी जो आप देख रहे हैं ये चेंज कर दी गई है। कार की डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो उनमें कोई बदलाव नहीं है। 3985 mm की लेंथ इसमें अब भी है। 1745 की आपको विड्थ मिलती है, 1880 mm की आपको मिलती है हाइट। काफ़ी ऊंची गाड़ी लगती है। पीछे की तरफ हम आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें जो टेल लैंप्स हैं वो भी नए डाले गए हैं और इनको न्यू क्लियर लेंस टेल लैंप्स बुलाता है महिंद्रा। पीछे की तरफ इसमें आपको मिलता है स्पेयर टायर, वहीं पर महिंद्रा का लोगो है। प्लस बोलेरो भी वहीं पर लिखा गया है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर बोलेरो में आते हैं। और जो BS6 बोलेरो वो 3 वेरियंट्स में आएगी, B4, B6 और B6 ऑप्शनल। ये हम टॉप वेरियंट इसका देख रहे हैं। महिंद्रा के अकॉर्डिंग रफ एंड रगड बॉडी शेल विद अ फ्रेम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है महिंद्रा बोलेरो की। और यहाँ पे बाहर की तरफ ही अब भी आपको एंटीना मिलता है जैसे पिछली वाली में आया करता था FM के लिए। इसमें स्टीरियो भी आता है जैसा कि टॉप वेरिएंट है। तो ये इसके इंटीरियर में हम चलते हैं, इंटीरियर आपको कैसा कुछ स्पेस मिलता है। अंदर इसमें कुछ ज़्यादा खास अपग्रेड नहीं किए हैं। जो अपग्रेड आपको ज़्यादा मेन मिलता है वो फ्रंट फेसिया जो मैंने आपको दिखा दिया, उनमें टेल लैंप्स में और हेड लैंप्स में आया है। ये आप देखेंगे तो ऐसा कुछ इसकी MID वगैरह आ जाती है जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक एयरबैग इसमें डाल दिया गया है, ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील आता है जिसपे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। एक बार चाबी की तरफ नजर डालने तो ऐसी कुछ फ्लिप की आपको मिलती है। चाबी BS6 वेरिएंट में चेंज कर दी गई है, पहले अलग तरीके की आया करती थी। 3 इसमें बटन आएंगे, स्कॉर्पियो जैसी चाबी इसमें आएगी या फिजिकली ही आप चाबी को लगाएंगे। ये देख रहे हैं आप इसकी MID मीटर, इसमें कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा आपको मिलता है ये डिजिटल। स्पीड भी आपको डिजिटली ही मिलती है। राइट में आपको मिलता है RPM मीटर जिसकी 5000 तक मार्किंग है। फ्यूल का भी आपको डिजिटल मिलता है और इंजन टेम्परेचर भी आपको यहीं पर मिलता है। प्लस अलर्ट्स भी आपको सेम यहीं पर मिलेगी। एक और लेफ्ट में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसमें आपको पता चलती रहती है अपना टाइम वगैरह या फिर ट्रिप ए ट्रिप बी के कितने किलोमीटर्स हो चुके हैं, ऐसी कुछ डिटेल इसमें मिलती है। AC वेंट्स वगैरह आप देखते हैं तो ऐसे मिलते हैं। वुडन फेस में कहीं कहीं पर दी गई है। महिंद्रा कैनवुड का स्टीरियो जिसमें केवल USB ऑक्स से ब्लूटूथ आप लगा सकते हैं। मैनुअल AC आता है इसमें। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले जैसे इंटीरियर आया करता था पैसेंजर को पकड़ने के लिए, यहाँ पे ये दिया गया है। और कार का इंटीरियर बिल्कुल सिंपल आपको लगता है। आपको गियर नॉब मिल जाता है इसका जिसमें आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन साथ ही केवल गाड़ी आती है। आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है और ऑपरेट करने में भी काफ़ी सही है ये। आप नीचे या ऊपर इसको आप मैनुअली कर सकते हैं और काफ़ी ऊपर तक खिंच जाती है ये। चारों पार विंडो के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ड्राइवर साइड डोर पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। केवल बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको चारों ही पार विंडो कंट्रोल मिलते हैं अपने हैंड ब्रेक के साइड में। और अभी भी पैसेंजर साइड आपको कोई भी एयरबैग नहीं मिलता बोलेरो में, केवल ड्राइवर साइड भी इस बार ऐड किया गया है। और सनवाइजर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता। IRVM भी आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। तो फीचर्स के मामले में नहीं कहेंगे काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स नए डाले गए हैं। केवल आपको सेफ्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो एयरबैग आ गया है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर आ गया है, ABS आ गया है। साथ साथ ये इंडिया का पहला ऐसा व्हीकल है जो मेटल बम्पर्स के साथ आता है जिससे पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन नॉर्म्स को ये फुलफिल करता है। और जैसा कि आप कार को आउटडोर में देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया लगती है कार व्हाइट कलर में। इसमें 3 कलर आते हैं, डायमंड व्हाइट जो आप फिलहाल देख भी रहे हैं, मिस्ट सिल्वर और एक लेक साइड ब्राउन। सबसे ज़्यादा जो बिकती है इसके व्हाइट में ही देखिए, और रूरल एरियाज में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। और वो लोग भी व्हाइट ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि ईजी टू मेनटेन होता है। और बहुत लोग शौक के लिए भी बोलेरो को लेते हैं, इसमें अलॉय व्हील वगैरह लगवा के कार काफ़ी बढ़िया लगती है। प्लस इसमें आप ऑफ रोडिंग भी इजीली कर सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए साइड ग्लाइडिंग आपको बेस वेरिएंट से ही बोलेरो में मिल जाती है। कन्वीनियंस के लिए आपको रियर वॉश एंड वाइपर भी दिया गया है और वो केवल आपको इसके टॉप वेरिएंट में ही मिलता है। पिछला वाला डोर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ब्राउन कलर की लेदर फिनिश टाइप मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक पावर विंडो का भी ऑप्शन दिया गया है पिछले वाले डोर पे। अगले वाले डोर्स पे पावर विंडो डोर्स पे नहीं थी लेकिन पीछे आपको जरूर मिलेगी। स्पेस भी आगे हम देखेंगे लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं रियर में आपको एक रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है
और एक R7 सीटर, अब इसमें हम थोड़ा बैठ के देख लेते हैं कि आपको कितना स्पेस मिल जाता है। तो सीट ये जो ड्राइवर साइड है फुल पीछे है, तो डिसेंट स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। और आपका जो सीट बेल्ट लगाने का होता है ये थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो फिट एंड फिनिश आप कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि थोड़ा सा लैग कर रही है इसमें। बाकी पीछे आपको देख सकते हैं 2 सीट एडिशनल मिल जाती हैं बोलेरो में। अब हम उनकी तरफ चलते हैं कि आपको पीछे की तरफ थर्ड रो में क्या स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए एक स्टैंड मिल जाता है, काफ़ी ऊंची गाड़ी आ जाती है। 1880 mm की इसकी हाइट है, तो आपको चढ़ने के लिए वो चीज़ चाहिए भी चाहिए। आपको आगे तो फुट स्टैप मिल जाता है, पीछे भी आपको दिया गया है स्टैंड। तो अगर आप पीछे का स्पेस देखते हैं तो जो अगर सामने वाला बंदा भी इसमें बैठ गया पैर जरूर अड़ेंगे। आपको पैर जो अपने साइड में करने ही पड़ेंगे दोनों बंदों को, तब जाके आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। प्लस लॉन्ग जर्नी अगर आप करने का सोच रहे हैं कि लॉन्ग जर्नी हो जाएगी ऐसे दो बंदों के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। पैर फैलाना चाहें आप तो ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपको सही लगेगी। अगर आपका मन है कि भाई 5 बंदे चलना है 7 बंदे नहीं है, तो आप इस वाली सीट्स हैं जो पिछली दो, इनको इस तरीके से ऊपर भी उठा सकते हैं, जिसके बाद आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस भी बन जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं कार में, यहाँ पीछे के साइड में आपको स्पीकर मिलते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अब जो बड़ा बदलाव इस कार में आया है, इसका BS6 इंजन, उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसमें आपको क्या पावर फिगर्स मिलती है और क्या ऑन रोड प्राइस है, फिर हम उसकी बात करेंगे। अब जो नई BS6 बोलेरो आएगी उसमें आपको मिलेगा महिंद्रा का MHOG D75 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि पावर निकालता है 76 PS की 210 Nm के टॉर्क के साथ। पहले जो BS4 बोलेरो पावर प्लस आया करती थी उसमें D70 बैच के साथ 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता था, 71 PS की वो पावर निकालता था, 190 Nm का टॉर्क मिलता था। तो इसमें आपको 5 PS की एक्स्ट्रा पावर मिलती है, प्लस 15 Nm का टॉर्क भी एक्स्ट्रा डाला गया है। इस इंजन के साथ आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसी सिग्नल वगैरह पे आप खड़े होंगे तो वहाँ पे आपका माइलेज बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, जिससे आपको कंफर्टेबल ड्राइव मिल सके कोई भी रोड सरफेस पे। पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको बोलेरो लेने के बाद, क्योंकि लो मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट है। और जो MHOG का 75 इसमें BS6 इंजन आया है, वो ना केवल पावरफुल ड्राइव आपको देगा पर नेचर के लिए भी वो उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। अब मेन बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो B4 अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेंगे तो वो आपको पड़ता है 7,98,000 रुपये का, एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 8,64,000 रुपये अगर आप इसका BS6 वेरिएंट बीच का लेते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट इसका लेंगे जो मैंने आपको दिखाया, इसकी कीमत है 8,99,000 रुपये। और BS6 बोलेरो 37,000 रुपये यानी 37,000 रुपये महंगी कर दी गई है इसके BS4 वेरिएंट से। तो ये थी भाई महिंद्रा बोलेरो BS6। आपके क्या विचार हैं इस गाड़ी के बारे में, आप कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, पसंद है उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।